नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर आपको बता दें, जहां आज शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक है। शाम 5:30 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। विधानसभा सत्र खत्म होने से एक दिन पहले ये बैठक हो रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा को लेकर रणनीति बनेगी। विपक्ष को काउंटर करने को लेकर भी चर्चा होगी। और राज्यपाल के अभिभाषण पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, आज शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। शाम 5:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है और विधानसभा सत्र खत्म होने से एक दिन पहले ये बैठक हो रही है। और विपक्ष को काउंटर करने के लिए भी इस बैठक में चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, विशेष सत्र है ये विधानसभा का, जिसमें हमने देखा पहले दिन तमाम जो नए विधायक बने उन्होंने शपथ ली, और उसके बाद हमने विधानसभा में देखा कि किस तरीके से आज जो है नरेंद्र सिंह तोमर साहब अध्यक्ष बन गए हैं, विधानसभा के निर्विरोध उनको चुन लिया गया है। और उसके बाद सदन के अंतिम दिन से एक दिन पहले ये रणनीति बनाई जा रही है किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी, राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा की जाएगी। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खबर पर हम उनसे जानकारी लेंगे। विवेक, आज शाम 5:30 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और ये बताया जा रहा है कि विशेष इसलिए बैठक हो जाती है क्योंकि विधानसभा खत्म होने के एक दिन पहले रणनीति बनाई जा रही है, किस तरह से विपक्ष को घेरना है, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की रणनीति होगी, क्या कुछ अंतर्खाने चल रहा है बीजेपी के? देखिए, ये पहली मोहन सरकार बनने के बाद की बीजेपी की विधायक दल की बैठक है। कल डिनर डिप्लोमेसी हुई और इसमें सभी विधायक मौजूद रहे, खासतौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, तमाम सारे दिग्गज जो नेता हैं वो मौजूद रहे। और इस डिनर में जरूर इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि आगे की रोड मैप की कैसे प्लानिंग की जाए, और ठीक इसीलिए आज ये बैठक 5:30 बजे बुलाई गई है। लेकिन इससे पहले सबसे दिलचस्प बात है कि आखिर इस विधायक दल बैठक बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, प्रचंड बहुमत से, लेकिन सदन की कार्यवाही अभी फिलहाल कल जारी रहेगी। और कल संभवतः ये माना जा रहा है कि सरकार अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है। हालांकि जो दैनिक कार्य सूची तरफ से जारी होती है विधानसभा की तरफ से, उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। और ठीक इसीलिए अनुपूरक बजट लेकर आपकी सरकार जो योजनाएं चल रही है उनको अमली जामा पहनाया जाए, और इस लिहाज से आज ये विधायक दल की बैठक में इस विषय को भी लेकर आया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जब विधानसभा में ये देखने के लिए मिला कि मूर्ति को लेकर विवाद काफी ज्यादा गरमाया, और आखिरकार अध्यक्ष को ये कहना पड़ा कि कमेटी बना दी जाएगी और सभी जो नेता है स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए जो नेता रहे हैं, जो पूर्व नेता है किसी भी दल के हों, उनकी मूर्ति लगाई जाए या उनकी प्रतिमा लगाई जाए, और इसको लेकर कमेटी बना दी है। और प्रतिपक्ष की तरफ से भी, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी मांग यही थी कि कमेटी बना लिया जाए, और इसके साथ ही एक तय सीमा तय कर ली जाए कि आखिर कौन से नेताओं की मूर्ति या फिर प्रतिमा लगाई जाए, क्योंकि नेहरू की प्रतिमा हटाने के साथ साथ अंबेडकर की तस्वीर लगाने को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा। और इस बात से लेकर कांग्रेस का ये साफ तौर पर कहना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति लगाई जाए। और आज भी सदन में जब ये शपथ हो रही थी अध्यक्ष पद को नरेंद्र सिंह तोमर जो शपथ दिलाई जा रही थी, उस वक्त भी कई कांग्रेस के विधायकों ने टूटे टिप्पणी की। यहाँ के राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में बाला बच्चन बोलने से चूके नहीं, और इसके बाद जब अभिभाषण खत्म हुआ तभी राज्यपाल के अभिभाषण का सरकार की तरफ से समर्थन किया गया। उस वक्त विपक्ष हंगामे दार स्थिति बना रहा था, लेकिन बीच में सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कल सुबह से ही ये माना जा रहा है कि इस मूर्ति के मामले या तस्वीर के मामले को लेकर कांग्रेस अभी हंगामे के आसार पैदा करेगी, लेकिन बीजेपी की आज शाम की 5:30 बजे की बैठक में तय हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस को डिफीट करने के लिए बीजेपी की क्या प्लानिंग रहेगी। संभवतः ये भी माना जा रहा है कि कल कुछ प्रस्तावों पर चर्चा भी की जा सकती है। बहरहाल
उस बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी। 5:30 बजे से बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी। ये मोहन सरकार की पहली विधायक दल की बैठक होगी और इसमें तमाम सारे नेताओं को, विशेष रूप से जो सीनियर नेता है, उनको शामिल होने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है बैठक, क्योंकि बीजेपी के तमाम विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। विपक्ष को किस तरह से काउंटर करना है, इस पर तो चर्चा होगी और इसी को लेकर